आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त विधायकों के चेहरे पर तमाचा मारा है। देवेगौड़ा, विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे ही सियासी नायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पलटवार करते हुए जनता को वोट के लिए मनाने में लगे हैं। आज बेंगलुरु के मां लक्ष्मी लेआउट में JDS उम्मीदवार डॉक्टर गिरीश के प्रचार में रोड शो करते हुए JDS वरिष्ठ देवेगौड़ा ने BJP नायकों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि निलंबित विधायकों की घटिया कारगर्दगी की खबर ऊपर तक पहुंची है। अनुदान न देने की बात करने वाले BJP के गोपाल अय्या को चैलेंज किया कि देवस्थान में आकर कसम खाएं कि कुमार स्वामी ने अपनी अवधि में इस क्षेत्र को अनुदान नहीं दिया। रेवन्ना ने भी यहां अनुदान दिया। BBMP को अनुदान कहां से आया सवाल करते हुए कहा कि मेरे पास सब तफसील है। महाराष्ट्र में BJP को हुई नाकामी पर कहा कि अब जनता जागृत हो चुकी है, जनता को उल्लू नहीं बनाया जा सकता, कहा JDS वरिष्ठ देवेगौड़ा ने। बाइक सहित बौड़ी में मिली युवक की लाश, कत्ल की शंका। बीजापुर के पेटी बौड़ी इलाके में युवक की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि ये लाश 30 साला कासिम कादरी नामक युवक की है, जो गच्ची महल का निवासी था। मृतक की बाइक भी मिली है, ये खुद गिरा है या किसी ने इसको बौड़ी में धकेला है पता नहीं चला। गोल गुमज पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ है। PUC कॉलेज उपन्यासकों का आक्रोश, वेतन बढ़ाने की मांग। आज रायचूर में कर्नाटक उपन्यासक संघ की ओर से शहर के DC दफ्तर के सामने स्थित टीपू सुल्तान गार्डन में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर PUC लेक्चरर ने धरना देते हुए प्रदर्शन किया। अगस्त 2008 के बाद लेक्चरर्स को दिए जाने वाले 500 रुपये एक्स ग्रेसिया राशि को वेतन में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा और भी दूसरी मांगों का जिक्र करते हुए अगर जल्द से जल्द वेतन में बढ़ोतरी न की गई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी सरकार को। इस मौके पर सारे लेक्चरर्स इस प्रदर्शन में भागी रहे। शादी से पहले ही दूल्हा गायब, बाराती परेशान। शादी से पहले ही दूल्हे के गायब हो जाने की घटना बेलगाम जिले के संकेश्वर के पास घटी है। आज चिक्कलगुड्डा कल्याण मंडप में 12:30 पर अक्षता का कार्यक्रम था, मगर सुबह से ही दूल्हा सुनील पाटिल का कोई पता नहीं चला। दोस्त रिश्तेदारों से पूछा गया मगर पता न चल सका। संकेश्वर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है, मगर अपने ही बेटे के इस करतूत से पोषकों का सर से झुक गया। विधानसभा उपचुनाव के चलते शराब की खरीदो फरोख्त पर रोक, कमिश्नर का आदेश। 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के चलते कानूनी सुव्यवस्था को बहाल रखने के लिए बेंगलुरु के 4 क्षेत्र यशवंतपुर, KR पुरम, शिवाजी नगर और महालक्ष्मी लेआउट में December 3 से सुबह 6 बजे से December 5 रात 12 बजे तक शराब बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। एक्साइज ज्वाइंट कमिश्नर ने बेंगलुरु सिटी कमिश्नर को इस बारे में निवेदन करने पर सिटी कमिश्नर भास्कर राव ने यह आदेश पारित किया है। खतरे की हालत में आंगनवाड़ी केंद्र, बल्लारी जिले के सिरगुप्पा तालुका के सदाशिव नगर में स्थित 12 नंबर आंगनवाड़ी केंद्र की हालत बड़ी खराब है। कहीं कहीं दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं तो छत की हालत भी दुरुस्त नहीं है। ऐसे हालत में छोटे छोटे बच्चे यहां रोज पढ़ने आते हैं। आसपास का माहौल भी बड़ा ही बदबूदार है। कचरे में आंगनवाड़ी केंद्र है या केंद्र में ही कचरा है, इस बात का पता नहीं चल सकता। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि इस पर ध्यान दिया जाए। अभी हाल ही में सिरगुप्पा स्टेडियम की गैलरी गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी। अब यहाँ भी कोई दुर्घटना न घट पाए, इसलिए संबंधित अधिकारी खबर लेने के लिए जनता आग्रह कर रही है। प्लास्टिक तैयार करने वाले गोडाउन पर पालिका अधिकारियों का छापा, 2 अलग-अलग मामलों में हुबली धारवाड़ महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर सुरेश इतनाल के नेतृत्व में अधिकारियों ने हुबली कारवार रोड पर स्थित दाल मिल गोडाउन पर छापा मारकर करीब 2.5 टन प्लास्टिक जब्त कर लिया। उसी तरह इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट गोडाउन में करीब 4 टन निषेधित प्लास्टिक जब्त किया और गोडाउन के मालिकों पर लाखों का जुर्माना आयद किया है।
कैदियों के लिए कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम का आयोजन, प्रतिभावान लोग कहीं भी पाए जा सकते हैं। हालात और मजबूरी के चलते जुर्म के लपेटे में आकर अक्सर लोग कैदी बनकर जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इन जुर्म के घेरे में आए कैदियों में प्रतिभा नहीं है। इसी प्रतिभा को निखारने के लिए और उनके मनोरंजन के लिए साथ ही साथ रुपया कमाने का अवसर देने का एक नया प्रयास कार्यक्रम आयोजित किया शिमोगा के सेंट्रल जेल के जेलर डॉक्टर रंगनाथ ने। कुल 10 प्रश्न रखे गए और 1000 रुपये का पुरस्कार। इस कार्यक्रम में कुल 10 कैदी शामिल हुए। जेल के दूसरे अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर कैदियों का हौसला बढ़ाया। फिल्म देखते समय व्यक्ति की मौत। फिल्म देखते समय थिएटर में ही व्यक्ति की मौत हो जाने की घटना मैसूर के केटी स्ट्रीट पर स्थित थिएटर में घटी है। प्रभा थिएटर में कन्नड़ा फिल्म देखने आए व्यक्ति की अचानक से मौत हो गई। इस व्यक्ति का नाम और पते के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। मृतक को देवराज पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुँचाया है। बीजेपी का उपचुनाव में पैसे बांटने का नज़ारा। वोट के बदले नोट, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करके सत्ता में आई बीजेपी के नेता कर्नाटक उपचुनाव के चलते आचार संहिता का उल्लंघन करके बागलकोट जिले में जनता को खुद अपने हाथों से पैसे बांट रहे हैं डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल। हाथी का हमला, किसान गंभीर रूप से घायल। खेत में काम कर रहे किसान पर एक हाथी के हमले की घटना मैसूर जिला माजी गुरुपुर ग्राम में घटी है। नगर होड़े जंगली इलाके में स्थित ग्राम के निवासी किसान राघवेंद्र को गहरे चोटों के चलते मैसूर के केआर अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले को देखते हुए ग्रामस्थों ने हुंसूर HD कोटे रोड बंद करके फॉरेस्ट अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश जताया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।